हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, मैं आज है बच्चे आज है, फिर जो है वो जियो रेफरेंसिंग सिखाऊंगा। वालेकुम सर। सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम उस्मान, आ रही आ रही है। सर, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं? यार मेरे ख्याल में EIA शायद ऑफर करेंगे इस दफा एज अ कोर कोर्स। आपका तो वो है ना, थीसिस तो नहीं है ना? सर, अभी तक इरादा तो नहीं है। अगर EIA हुआ तो फिर हो सकता है मैं EIA के साथ थीसिस कर लूं। तो EIA किया नहीं अभी तक? पढ़ा नहीं है? EIA करना है सर? पढ़ी नहीं? नो सर। अच्छा हाँ सर, EIA ऑफर करवाते हैं। मेरा भी EIA नहीं हुआ, वहाँ बाकी सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं अच्छा तो कंजा आप आठ आठ कोर्सेज हो गए, छह हो गए, सर, 7 हो गए सात हो गए, तो जी। थीसिस लेने आ गए 8 के बाद। मैं जी जी सर, थीसिस भी लूंगी और साथ में ये EIA भी पढ़ लूंगी। एक ही कोर्स होगा ना हाँ हाँ सही। अब तो ऑफर तो करा सकते हैं थीसिस का, तो आप। सर, थीसिस का बताएं, आराम से हो जाएगा सर? हाँ, मेमन साहब के पास जगह खाली भी हो रही है। नहीं सर, मैं आपके साथ करूंगी। मैं तो आपके साथ सोच रहा हूँ सर। नहीं, मेमन साहब के पास जगह खाली हो रही है। मैं सर आपके साथ, मैंने आपको 2 सेमेस्टर पहले बोला हुआ था सर। अच्छा, अभी तो देर है, अभी तो इंशाल्लाह देखेंगे। तो टॉस नहीं करिएगा, जो जीता उसको रख लीजिएगा, मुझे या कंजर। नहीं है, अभी तो है सर, जगह, आप मुझे रखिएगा। है जगह है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आ जाए पहले। सर EIA के अलावा और कौन सा होगा इस दफा? यार मुझे पता नहीं, मैं हो सकता है EIA हो और एक आध हम कोई एनर्जी का ऑफर करवा देंगे। सर मेरी ना नादिया से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इस दफा ये ना टर्न होते हैं, क्योंकि 3 ही कोर होते हैं ना हमारे हाँ, पास तीन ऑफर, मतलब को है। ये। हाँ तो EMS के बाद जो है वो EIA का टर्न होता है। लास्ट सेमेस्टर भी यही हुआ था और इस सेमेस्टर भी वो बोल रही थी कि यही होगा। उसके बाद फिर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ाया था ना लास्ट सेमेस्टर में हमको, फिर वो और ऑफर मेरे होगा। पास ही आते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जी, और एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी है, वो मैंने पढ़ाया था। इस दफा इन्वायरमेंटल जी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। जी और सर, वकार साहब नहीं पढ़ा रहे इस बार? वकार साहब ने इस दफा तो एक्सटर्नल लिया ही नहीं ना हमने। अच्छा, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में है वो वकार साहब? देखो, नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर ऑनलाइन हुआ तो अगेन जो है वो बाहर का कोई टीचर नहीं आएगा। सर, कितने और चांसेस हैं सर अगर ऑनलाइन ऑफलाइन होने के नहीं नेक्स्ट हुआ तो? सेमेस्टर में? मेरे ख्याल में तो नहीं है। और सर अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो? कैसे, क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन ही है नेक्स्ट सेमेस्टर? अच्छा, नहीं, ऑनलाइन नहीं है मेरे ख्याल में। फिर हम ऑफर करा देंगे, डॉक्टर वकार साहब हैं। सर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर की न्यूज बताऊं, स्कूल तो अभी भूल जाए, जनवरी से पहले नहीं खोलेंगे सर। क्यों, किसने कहा? जो बड़े बच्चे हैं ना, 9 मैट्रिक, हो सकते हैं उनकी खुल जाए, लेकिन जो छोटे प्राइमरी क्लासेस के ना, उनका नहीं खोलेंगे ये। सर अरे यार, ये मेरे छोटे बच्चे हैं तो मेरा दिमाग खा जाएंगे 4 महीने और। बहुत बर्दाश्त करें। ये तो यार अच्छी खबर नहीं है मेरे पास मतलब। ना सर, मैंने बेटी का ना एडमिशन कराना था सिटी स्कूल में, मैंने बात कर ली थी जनवरी में ना, तो अच्छा अभी मेरे पास अगस्त के स्टूडेंट की कॉल आई कि हम ना 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो है ना वो अपनी बच्ची का एडमिशन करवा लें। अभी अच्छा हम लोगों ने ना एक पैकेज निकाला हुआ है, एडमिशन फीस वेव हुई है, तो आपको सिर्फ मंथली फीस देनी होगी। तो मैंने कहा वैसे एडमिशन फीस आपकी क्या थी? कहने लगी 25,000 थी, आपको भी फायदा होगा। तो मैंने कहा अच्छा क्लासेस तो अभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, 15 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे, तो आप हाँ कैसे करेंगी? तो कहें ऑनलाइन करवाएंगे हम। मैंने कहा खुदा को माने, 3 साल की बच्ची को मैं कैसे कंप्यूटर के आगे बिठा के ऑनलाइन पढ़ाऊंगा? मैंने कहा वो नहीं तो कंप्यूटर के बटन ही छोड़ती रहेगी। नहीं वो तो क्या नाम है, बस पैसा देते रहो।
मेरे उसकी बीकन हाउस में और लेके, क्या। मेरे भाई की ना बेटी, वो अपनी बेटी को लेके आया था बीकन हाउस में। मैंने कहा ठीक है आप एडमिशन करा दें, और जो ना फीस भी काफ़ी हद तक जो है ना 20% डिस्काउंट आया हुआ है, और दूसरा उसने कहा पढ़ाना, हाँ पढ़ाएंगे आप खुद अपने पास पढ़ाना शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है, यानी पढ़ाना आप शुरू कर दें, एडमिशन यहाँ पे करा दें। अच्छा अंधी मजा आई है इन्होंने स्कूल वालों मैं बहुत बुरा हाल किया भाई। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये सारे आ गए ना, हसन, फरीद, हसन। अच्छा सर। बदर इकबाल, 9 लोग ऑनलाइन है सर। सर उनको भी मैं तो ऑनलाइन हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ जरा, हसन फरीद नॉट अवेलेबल। अच्छा बदर इकबाल अवेलेबल, जी सर अवेलेबल अवेलेबल। अच्छा सालिकुद्दीन, यस सर। सर हाजिर हूँ सर। अच्छा हाजिर है जी सर। आज सलीम साहब, हाजिर है यस सर। जीशान नेक्स्ट। अंसारी, बहुत बड़ी टोपी। यस सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन। सर सलाम। निशान अंसारी है ना वो फिजिकली तो प्रेजेंट होता है मेंटली एब्सेंट होता है। निशान सर बात सही। माइक म्यूट रखता हूँ ना सर वो अननेसेसरी साउंड ना जाए इस वजह से। हाँ सही बात है। अच्छा बाकी सर मैं सब सिटी स्कूल बीकन हाउस सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा सर अभी वकास खान, वकास वकास के मेरे पास मैसेज आते हैं सर मेरी परसेंटेज बढ़ा दीजिएगा, और अभी ये ऑनलाइन नहीं है। अच्छा बहरहाल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। सर ये इसी सेशन में हो जाएगा आज का या फिर एक और सेशन रखना नहीं नहीं पड़ेगा। एक सेशन और मैं रखूंगा, उसके अंदर ना वो शेप फाइल बनाना सिखाऊंगा। आज के सेशन में जो है ना आज ही जियो रेफरेंसिंग, जियो रेफरेंस कैसे करते हैं यार, टाइम टाइम कम है तो स्टार्ट करते हैं। सर आवाज आ रही है आपको। जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा सिग्नल का इशू होगा शायद वो मैं पहले भी आ गया। हसन आ गए, चलो हसन जी सर जी ये वो सही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है मैं आपसे वाइवा भी लूँ इसका पेपर के बाद। हो गया सर। सही हो गया सर। ठीक है तो ठीक है सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस पे थे हम, नजर आ रही है स्क्रीन? नो सर। आ गए नहीं नजर आ रही, सर। आ आ गई ना। गए अच्छा यहाँ तक हमने कर लिया था, लेयर कैसे ऐड करते हैं ये भी बता दिया था मैंने, बटन्स भी आ गए आपको सर। बता दिए, बटन्स भी बता दिए थे आपको। अच्छा यहाँ पे एक चीज जो रहती थी वो ये थी कि आपको बिल्कुल नीचे जहाँ पे मेरा एरो है, नजर आ रहा है एरो आपको, ये डेसिमल डिग्रीज लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है डेसिमल डिग्रीज, जहाँ पे बैटरी का साइन है, जहाँ पे टाइम शो हो रहा है, यहाँ नहीं आ पे रहा सर। ये जी नीचे सर आ गया राइट हैंड साइड पे नीचे। राइट हैंड साइड पे बिल्कुल नीचे आपको कुछ ना रीडिंग्स नजर आ रही होंगी, रीडिंग्स डेसिमल डिग्रीज की, नजर आ गई रही, सर नजर। नजर आ गई। बिल्कुल सर अच्छा बिल्कुल जब मैं मैप पे जा रहा हूँ तो ये डिग्रीज मूव कर रही है, देखें ठीक जी सर। आगे आगे है, ये जैसे जैसे मैं ये एरो को मूव कर रहा हूँ हैंड को, तो डिग्रीज चेंज हो रही है डिग्रीज। अच्छा इसका मतलब ये है कि ये मैप जो है वो जियो रेफ नहीं है, यानी इसकी जियो रेफरेंसिंग नहीं हुई हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जियो रेफरेंसिंग ऑफ दैट मैप, इस मैप की जो है हमने जियो रेफरेंसिंग करनी है। अच्छा एक चीज, मेरे एक स्टूडेंट जो है मेरी हेल्प करेंगे, फहद साहब आप मेरी हेल्प कीजिएगा। जी सर। अच्छा मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा ना वो आपने नोट डाउन करने, और फिर वो पॉइंट्स मुझे बताने, ठीक है? अब ये मैंने इस मैप को जियो रेफरेंसिंग करना है जो कि अभी तक नहीं हुआ हुआ। सर एक गुजारिश थी सर मैं मजे से अभी वापस आ रहा हूँ तो ये अच्छा अगर राइटिंग का है तो सर वो किसी और को देख ले सर बहुत माजरत में नहीं नहीं अच्छा कहूंगा। चल चल ठीक है, ये अमजद को दे देते हैं। अमजद, अमजद या कंजा ले लें, कंजा आप बता दें मुझे, बोल अमजद की तो आवाज ही। कंजा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँ पॉइंट्स, ये ठीक है? जी सर। अच्छा इसमें जो है ना अब जियो रेफरेंसिंग करनी होती है हमें, कोई से चार पॉइंट हमने लेने हैं इसके, फोर पॉइंट्स,
और 4 पॉइंट्स ना मैप के चारों तरफ के लेने, फर्ज किया मैं 1 पॉइंट ये ले लेता हूँ जहाँ पे मेरा हाथ का निशान है, 1 पॉइंट मैंने ये ले लिया, 1 पॉइंट इसके बिल्कुल ये ले लिया और 1 पॉइंट ये ले लिया। अब इस 4 पॉइंट के मुझे आप वो स्केल बताएंगी, मतलब जो जो मैं लिखवाऊंगा वो आप बताएंगी। अब देखें कंजा, ये 27 है जी सर, 27 नॉर्थ, 27 नॉर्थ, ठीक है, दिस इज लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड लाइंस है ना ऊपर जो जा रही है जी सर, और जी ये जो जा रही है अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो लैटिट्यूड इज 27, तो यहाँ इस पॉइंट पे, ये जो ये पॉइंट है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला जहाँ पे आपको पंचगूर और तुर्बत नजर आ रहा है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लें, ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, ठीक है, जियो रेफरेंसिंग के दौरान आप ये पॉइंट ले लें, ये इस पॉइंट पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या होंगे, सही है, क्या 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 सही, कैसे पता, देखे ना 27 और ये कौन सा होगा, ये यहाँ से सर ये लॉन्गिट्यूड होगा, हाँ ये कितना है देखें, ये 78 है, ये 78 है जी, ये कितना होगा सर, ये माइनस होंगे ना सर, हाँ माइनस करें, 60 होगा सर, क्या हो गया, नहीं नहीं 78 माइनस 3 करें ना, हाँ सिर्फ 3 का फायदा, हाँ तो सर वहाँ पर पहुँचते 60 हो गया था ना, हाँ ठीक है यहाँ डायरेक्ट चल लिए, डायरेक्ट बाबा ये काबिल है, काबिल, अच्छा सर आपने बताया तो था पिछले कोर्स में सेशन में, सही सही सही, अच्छा ये हो जाएगा हमारा, ये 27 हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल में 57 पड़ेगा शायद, 57, 60, 63, 66, 69, नवाबशाह में 66 है, और ये हमारा है 69, 72, नहीं गलत हो गया, 72, ये 75 आ रहा है, सर यहाँ से स्टार्ट करें ना, तो यहीं से स्टार्ट करें, 78, तो ये कितना होगा, 75, 72, 73, 72, 72, 72, 69, और इस पे क्या होगा हमारा 60 होगा, गुड आपने 60. सही बताया था 60, गुड, तो ये पॉइंट जो है ये कौन सा होगा हमारा, ये हो जाएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या हो जाएंगे इसके, 27 नॉर्थ और 60 ईस्ट, ना ना ना, हाँ 60 ईस्ट, गुड 60 ईस्ट, गुड, तो 27 और 60 हो गया, ये पॉइंट लिख लीजिए आप पेंसिल से, जी सर लिख लिया, लिख लिया, तो ये पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है जो ईरान वाली लाइन पे है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर आ जाइए, यहाँ आ गए और बिल्कुल यहाँ पे आ गए 36, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, आपने डिस्टेंस रखना है थोड़ा सा उस पॉइंट से, तो फर्ज किया मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ या ये पॉइंट ले लेता हूँ, कोई सा एक पॉइंट, मैं इसको इस पॉइंट को ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट कौन सा होगा अफगानिस्तान के पास, ये भी ले सकते हैं आप, ये कौन सा होगा 33 नॉर्थ और 60 ईस्ट, वो लॉन्गिट्यूड तो वही होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड हमारा वही चल रहा है, ठीक है 60 चल रहा है, लैटिट्यूड हमारा क्या हो गया 33, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट सही है सर, लॉन्गिट्यूड तो वही होगा ना, लॉन्गिट्यूड वही होगा सही है, आप बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाइए, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाइए, या इस ये पॉइंट ले लेते हैं इस्लामाबाद वाला, ये कौन सा होगा लेट लॉन्ग क्या होगा इसका, 33 नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड हो गया इसका, और लॉन्गिट्यूड हम इसका देख लेते हैं, ये 78 है, तो ये कितना होगा 75, तो ये इस्लामाबाद, हाँ ये इस्लामाबाद के नीचे वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा 75, इसको लिख लीजिए, लिख लिया 75. जी सर, अब आ जाएं बिल्कुल इसके नीचे इस पॉइंट पे, ये जो इंडिया के बिल्कुल आखिर वाला ब्लॉक है, तो ये कौन सा होगा 27 नॉर्थ और 75 ईस्ट, नॉर्थ और 75 ईस्ट, सही है सर, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपने ले लिए, 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि यू मस्ट टेक द 4 पॉइंट्स फ्रॉम दैट मैप, ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने कौन सा पॉइंट लिया था, ये वाला पॉइंट लिया था ना, ये वाला जहाँ पे मेरा हाथ का निशान है जी सर, इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद है, ठीक है, अब मैं 27 नॉर्थ और 60 ईस्ट, ठीक है, मैं इसको जरा क्लोज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको जियो रेफ करूँ,
पहले मैं अच्छा एक चीज बता दूं आपको, जीआरएफ करने का तरीका कार ये होता है कि ये जो बार है, ये वाली बार, इस पे आप राइट क्लिक कीजिए, बिल्कुल राइट क्लिक, इसके ऊपर रख के राइट। अच्छा, जियो रेफरेंसिंग क्यों, क्योंकि किस तरह होगी जियो रेफरेंसिंग के लिए, वही पॉइंट, यानी अगर आपने यहाँ पे जाके लेयर्स पे जाके डबल क्लिक नहीं किया, और देखिए मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये यार इतना टाइम ले रहा है, फंस गया है तो क्या करें, रख लें सर, कर ले बकाया। अरे यार ये तो क्लोज हो गया, इसने एरर दे दिया। मैं दोबारा कर, दोबारा करता हूँ, दोबारा खोल लें। यस सर, ये मैंने आर्क मैप खोला, ये बड़े काम की चीज है, ये आप सीख लेंगे ना इसकी बेसिक्स, तो आप लोग इस पे फर्दर भी काम कर सकते हैं, थीसिस में भी काम आएगा सर। ये थीसिस में भी किया है ना, तहनियत ने काम किया इस पे, उससे सारा थीसिस कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, उसका वाइवा है अभी, डिफेंस वाइवा है उसका, वो तो सर अभी लॉकडाउन की वजह से रहा हुआ है ना। नहीं नहीं, ये ऑनलाइन वाइवा है इसका, हमने दे दिया है तहनियत का, और इसका पेपर भी पब्लिश हो गया सर। किस जर्नल में हुआ है? पता नहीं, कोई जर्नल है उसके अंदर इसने पब्लिकेशन की है, मैं पेपर भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, उसमें मेरा नाम भी, इसका वाटर पे था ना? हाँ वाटर पे था, वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैप बनाने के बाद ना मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने अच्छा काम किया है। अगर पॉसिबल हो उसकी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, और वो आपको दिखाऊंगा भी इस पे। अच्छा यहाँ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको, फिर यहाँ से शुरू से मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नजर आ रही है तालिक, तालिक नजर आ रही है जी सर। अच्छा मैं इसको क्या करूंगा अब, स्टेप क्या होगा मेरा सालिक, यहाँ पे क्या करूंगा मैं? अच्छा तो ब्लैंक टेम्पलेट आप सिलेक्ट करेंगे? नहीं, इसको क्लिक नहीं करना आपने, आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे लेयर पे हैं, लेयर पे हम इसको कैंसिल करके आएंगे, लेयर पे नहीं आएंगे, ठीक है? लेयर्स पे भी आएंगे, लेयर के साथ तीन जगह है ना, उस पे आएंगे। हाँ, इस पे आएंगे, ऊपर से ऐड भी करना था, ठीक है? ये लेयर्स पे आए, लेयर्स पे आने के बाद क्या करेंगे पाथ साहब, इसके बाद क्या करेंगे? ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने डबल, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसमें मैं किस पे आया? सबसे नीचे है सर, वर्ल्ड पे सर, वर्ल्ड पे डबल क्लिक किया, ये सबसे नीचे आया सर, 1984, हाँ गुड, इस पे मैंने क्लिक किया तो नीचे ये ऑप्शन आना चाहिए आपके पास, ये देखें ये वाला, अगर नीचे वाली विंडो में करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ये नहीं दिया तो आप मैप को जियो रेफरेंस नहीं कर सकेंगे, ये करना लाजमी है, ठीक है? इसको मैंने अप्लाई कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, तो ये आपने जियो रेफरेंसिंग टूल यानी अलाइन कर दिया। अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर मैप को ऐड कराना है, मैं क्या करूंगा ऐड डाटा पे जाऊंगा, उसके बाद क्या है ये पाकिस्तान मैप है, अब डबल क्लिक करूंगा, कोई सी भी मैंने एक बैंड उठा ली, उस्मान आप कह रहे थे बैंड कैसे उठाएं, मैप लेंगे सर, मैं एक बैंड उठा लूंगा इसका, ठीक है? ये एक बैंड आ गया इसका, ठीक है? अब इसके पॉइंट याद है कंजा जी सर? अच्छा, इसमें आप नीचे देख रहे ना अभी डिग्रीज जो है वो अलाइन नहीं है, नीचे बिल्कुल लास्ट में डेसिमल डिग्रीज अलाइन नहीं है, ये कोई अजीब सी वैल्यू दे रहा है, हम इसको जियो रेफ करेंगे ना तो ये आपको ऑटोमेटिकली अलाइन डिग्रीज मिलेंगी। अच्छा ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ कंधा, ओके सर, बेहतरीन, ईरान के नीचे वाला, अभी देखें अभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है डेसिमल डिग्री की, सही कहां पर आ रही है वैल्यूज तो मुझे नजर ही नहीं आ रही है कहीं पे भी, बिल्कुल लास्ट में देखें, बिल्कुल सीधे हाथ पे। अच्छा हाँ हाँ, आ गई आ गई, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, जब जी, मैं जी, सर, जब जी, मैं एरो मूव कर रहा हूँ तो वो चेंज हो रही है, जी 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 जी, तो अभी ये ईरान के नीचे क्या वैल्यू आ रही है, जब अब मैंने एरो यहाँ रखा है तो 62 आ रही है, 62 आ रही है और -44, ठीक है, और अब सर अब आ रही है 176 और -444,
मतलब यहाँ पर आ रही है 731 और माइनस 431। मतलब ये मैप जियो रेफरेंस नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको, आपने मुझे पॉइंट्स बताने, मैं क्या किया, मैं ऊपर वाली टूल बार पे गया, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एक और ये छोटी सी लंबी लिस्ट खुली है, नजर आ रही है? जी सर। इसके अंदर ये लिखा हुआ जियो रेफरेंसिंग, नजर आ रहा है? साहब नजर जी सर आ रहा है। अच्छा, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी विंडो खुल जाएगी, ये वाली। सर ये कहाँ से खुलेगा, दोबारा से बताइएगा। दोबारा बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे गए आप, जहाँ पे एरो रखा है मैंने इस वक्त, इस जगह, खाली जगह पे। हेलो हेलो, ये खाली जगह पे गए आप, आवाज आ रही है? खाली जगह पे गए, इस खाली जगह पे जाके राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी, एडिटर ड्रॉ, इसमें आप जाएंगे जियो रेफरेंसिंग के ऊपर। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा जियो रेफरेंसिंग का, पाकिस्तान में, ठीक है? आप इसको उठा के कहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, ये ऊपर चला गया, तो ये आपका पार्ट बन गया एक किस्म का, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अलाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लस नजर आ रहे हैं, कुछ प्लस माइनस, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं आपके, ये आपके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, ठीक है? आपने क्या करना है, जस्ट ये जो मैप है कंजा, मुझे पॉइंट्स आप बताएंगी, ठीक है? ये वाला पॉइंट बताएंगी, ये वाला जहाँ पे एरो घूम रहा है। हम क्या करेंगे, पहले इसको जूम इन करेंगे। जूम इन करने के लिए मैंने क्या किया, ये प्लस के साइन पे गया राइट पे, ठीक है? यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको, जो मेरा डिजायर्ड बॉक्स था, ये मैंने इतना एरिया, अब ये पॉइंट कौन सा है सर? 27 नॉर्थ, 27 नॉर्थ, और इसका लॉन्ग क्या है? 60 ईस्ट, 60। तो अब मैं इस, ये जो प्लस वाला साइन है, ये वाला नजर आ रहा है आपको, ऐड कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है? इस पे मैं क्लिक करूंगा राइट, ये जो उल्टे हाथ वाला क्लिक, और फिर इसी पे जाके, अब मैंने इस प्लस, ये प्लस साइन बन जाएगा, देखें प्लस नजर आ रहा है आपको, ठीक है? अब प्लस पे क्या करेंगे, इस प्लस को एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाके बिल्कुल इसी पॉइंट पे रखेंगे, इस प्लस पे, नजर आ गया? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे रखने के बाद आपने क्या करना है, एक दफा राइट क्लिक करना है, सॉरी एक दफा लेफ्ट क्लिक करना है और एक दफा राइट क्लिक करना है। जी सर, समझ में आ रही मेरी बात? सही है जी सर, आ रही है। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक, पहले लेफ्ट करेंगे फिर राइट करेंगे। देखिए मैंने पहले लेफ्ट किया तो एक पॉइंट, ग्रीन पॉइंट बनाया, और फिर मैंने इसको राइट, ये वन लिखा हुआ है, एक वन नजर आ रहा है आपको, ग्रीन कलर में वन वन लिखा हुआ आ रहा है, चले मैं दिखा, जी सर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब ये जब आप क्लिक करेंगे ना, उल्टे हाथ वाला जो कॉमन क्लिक होता है, जब क्लिक करेंगे तो एक दफा करना है, और फिर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये पहली बॉक्स खुलेगी इनपुट एक्स एंड वाई की, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? एक मिनट में जरा बच्चों को चुप करा के आ जाओ। हेलो जी सर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आया? जी सर समझ में आया यहाँ तक। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ये तो आप सीख गए ना तू। अच्छा कंजा, आपको याद होगा हमने जब पॉइंट रखा था तो क्या दिखा रहा था, एक्स और वाई, यही दिखा रहा था ना सर? यही दिखा रहा था, 63 और माइनस। अब हमने इसको नंबर देना है, तो एक्स पे हम कौन सा रखेंगे और वाई पे कौन सा रखेंगे, ये फहद साहब बताएंगे। फहद साहब, एक्स पे लॉन्गिट्यूड आएगा, लैटिट्यूड आएगा? सर लैटिट्यूड सर, नहीं नहीं सर, सर लॉन्गिट्यूड आएगा, लॉन्गिट्यूड आएगा। लॉन्गिट्यूड कितना है यहाँ पे, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी, नहीं तो मैप उलट जाएगा। अगर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गलत कर दिए तो मैप उलट उल्टा हो जाएगा, और वाकई होता है ऐसे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, लॉन्गिट्यूड क्या था, एक्स एक्सिस मतलब ईस्ट पे क्या है हमारी लाइन सर? 60 60, गुड, तो ये 60 आ गया, ठीक है? और वाई पे क्या है कंजा? 27 27,
ये आ गया हमारा 27। हम इसको क्या कर देंगे, ओके मैप गायब हो गया, इसका मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया। आप क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला ग्लोब जो बना हुआ है, इस ग्लोब पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका वन पॉइंट नजर आ रहा है नीचे? जी सर, ये वन पॉइंट नजर आ रहा है, आ गया। और इसके नीचे डेसिमल डिग्रीज पे पड़े, डेसिमल डिग्रीज पे जाइए जरा, 57 है और 27 है, गुड, यानी ये जियोरेफ हो गया, सही है, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी ये पॉइंट हमारे जियोरेफ नहीं हुए, नहीं हुए वाले, ठीक है। तो एक पॉइंट हम और ले लेते हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने वन किया है तो टू पॉइंट बिल्कुल अपोजिट ऊपर लेना है, अगर आपने इसको कर दिया तो मैप बिल्कुल फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एहतियात ये करनी है, पहला पॉइंट ये लेना है और दूसरा पॉइंट ऊपर वाला नहीं लेना और इसके सामने वाला नहीं लेना, बिल्कुल इसको अपोजिट वाला लेना, ठीक है। मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा एक चीज का ख्याल ये रखना है, जो प्लस साइन है उसको पहले आपने हटाना है, हटाने के लिए आपने क्या करना है, इसको पैन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया था कंजा हमने? सर यहाँ से हमने लिया था 75 और 27। इस्लामाबाद 33 वाला, इस्लामाबाद 33 वाला, झेलम के करीब 33, जी सर 33 लिया था और 75 लिया था। अब इसके जरा डेसिमल डिग्रीज पढ़िए, 611 और 294। ये पॉइंट स्टिल क्या हुआ, जीआरएफ नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो अगेन मैं इसको कहाँ जाऊंगा, मैंने प्लस पे किया, झेलम के पास गया, ये मैंने किया इसको, और ये जितना जूम, बहुत ज्यादा जूम नहीं कीजिएगा लेकिन इतना जूम होना चाहिए, अगर आपने जूम ज्यादा नहीं किया तो आपकी जो है रेफरेंसिंग सही नहीं होगी, ठीक है। कोशिश की एक करके इसको जूम इन ज्यादा कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे चला गया, अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, उस्मान उस्मान जियोरेफ कैसे होगा ये पॉइंट, क्या करना है मैंने? लेफ्ट क्लिक करेंगे, हाँ हाँ वो सेलेक्ट कर ले, पहले लेफ्ट करें, पॉइंट पे रखें, लेफ्ट करें फिर राइट क्लिक करें, किसको पहले किसको सेलेक्ट करूंगा? ऐसे नहीं है, टूल कौन सा लूंगा इसमें? आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, मैंने कहा टूल कौन सा लूंगा। हेलो सर, वो राइट क्लिक करें सर, राइट क्लिक करो, पहले डबल प्रेस वाला लें, जियो रेफरेंसिंग कंट्रोल, ऐड कंट्रोल वाला, गुड, ऐड कंट्रोल वाले में मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे पास प्लस दोबारा आ गया, ठीक है। मैं पैन पे क्लिक करूंगा तो प्लस खत्म हो जाएगा, देखें नजर आ रहा है आपको? जी सर, पैन पे क्लिक किया तो खत्म हो गया, इस पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या आ गया, प्लस आ गया, उसको जाके बोल दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्लस इसके ऊपर रखा, एक दफा लेफ्ट क्लिक, ये पॉइंट टू लिखा हुआ आ रहा है? जी सर, जी सर आ रहा है, राइट क्लिक किया और इनपुट एक्स एंड वाई। अब मुझे बताइए पॉइंट क्या डालूंगा मैं, सर वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्या आएगा एक्स पे मुझे नहीं पता यार, उधर जाके पहले बता के, सर एक्स पे आएगा 75, पक्का? जी सर 70, बता के आओ फिर मैं देखूं, और वाई पे, और उस पर आएगा 33, वाई पे आएगा 33, ये मैं इसको ओके कर दिया। सर ये वही पॉइंट्स है ना जो आपने कंजा को लिखवाए थे शुरू में? जी 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 जी। अब इसको ना आप पेन पे क्लिक कर दें, ताकि आपका कोई फौरन पेन पे क्लिक कर देंगे ना तो कहीं और मैप आपका खराब नहीं होगा। कॉल आ रही है, मेरी लंबी क्लास चली गई, ये हो गया मैप टेढ़ा हो गया, देखें मैप ऑटोमेटिकली और टेढ़ा हो गया, तो इसका मतलब हमारी जियो रेफरेंसिंग सही है। अगर मैप टेढ़ा हो जाए तो इसका मतलब मैप फैल जाए तो जियो रेफरेंसिंग, हमारे दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट वन आ गया, एक पॉइंट टू आ गया। कंजा आप जरा नोट कीजिएगा, टू पॉइंट पे क्या शो कर रहा है डेसिमल डिग्रीज, सर 75 कर रहा है और 32 कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे दो पॉइंट से भी मैप जियो रेफ हो गया। देखें ये पॉइंट कौन सा था, ये था ये वाला पॉइंट 25, देखें 78 आ रहा है, 78 और 24 आ रहा है ना, तो पूरा मैप हमारा जियो रेफ हो गया। लेकिन स्टिल हम दो पॉइंट्स और ले लेते हैं ताकि हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये पॉइंट कौन सा था हमने, और तीसरा पॉइंट कौन सा लिया था, ये वाला सर, इसके 27 और 75, पक्का? जी सर, सर इस पे कोऑर्डिनेट्स आ तो रहे हैं नीचे, आ रहे हैं ना, लेकिन हम 74.73 और ये 26. जियोरेफ तो हो चुका है, दो पॉइंट से भी हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि पॉइंट और ज्यादा अच्छे हो जाएं तो हम एक चार पॉइंट्स नॉर्मली मैप पे लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, जी जी, वो ये है कि हम जियोरेफ कर क्यों रहे हैं, मतलब इसका रीजन क्या है?
देखिए ये आपका जियो रेफ हो गया, मतलब जवाब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एज पर कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये होगा कि जब भी अभी जब हमारे पास मैप से एक दफा जियो रेफ हो जाएगा तो उसके बाद हमें अगर फर्ज किया कोई भी लोकेशन जैसे हैदराबाद होगा, हैदराबाद के ऊपर हम जाएंगे हैदराबाद की एग्जैक्ट लोकेशन ही मिल जाएगी, चल जाएगी। जैसे लाड़काना पे रहता हूं ना मैं, तो लाड़कानी की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही है जायकाबाद। बेशक से हम लोग सिर्फ चार, जैसे अभी हमने सिर्फ दो लोकेशन ली है, तो उसके बावजूद भी हमें पूरे पाकिस्तान के मैप में किसी भी लोकेशन पे जाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। जी जी अच्छा सही, सही। ये रेफरेंसिंग कहलाती है। लेकिन अभी नॉर्मली होता है, ये हमारे टीचर ने बताया था, डॉक्टर गोहर साहब थे जब मैं पीएचडी कर रहा था, उन्होंने कहा था कि नॉर्मली तीन, कम से कम तीन पॉइंट तो लेने हैं आपने, ठीक है, सही है। अच्छा सही। इसी तरह आप गूगल मैप भी ले सकते हैं, आपने गूगल अर्थ पे गए, गूगल अर्थ का मैप काटा कोई सा भी, जैसे मैं कल गूगल अर्थ खोल लेता हूँ अभी, गूगल अर्थ, नहीं बोला ये सिस्टम मेरा हैवी हो गया बहुत, जो इसके बाद सॉफ्टवेयर हैवी है सर, सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है। आप ये तो हल्का सा सॉफ्टवेयर है, इतना तो हैवी नहीं है, नहीं उठाने में तो बहुत हल्का है, लेकिन ये के अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गूगल अर्थ की, नजर आ रही है आपको गूगल अर्थ की? सर आ रही है। ठीक है, अब मैंने इसको जरा घुमा दिया और मैं पाकिस्तान पर किया, मैं पाकिस्तान पे चला गया, पाकिस्तान, ठीक है ये पाकिस्तान पे गया, मुझे पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान का मैप है। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल नीचे ना लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, आपको पाकिस्तान में कोई भी लोकेशन लेनी है, फर्ज किया मैं ऐसे कहता हूँ आपने बोट बेसन कराची, आपने बोट बेसन की लेनी है तो ये बोट बेसन पे चला गया कराची में, ये बोट बेसन पे आ गया, किसी ने किया हुआ अगर है तो फिर उस हिसाब से देखना होगा, ठीक है, किसी ने लॉस किया है तो कैसे किया वो देखना। अच्छा जी ये मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ, आप फर्ज किया आपने जेटी पे काम करना है, आपने इसकी ईआईए की है, फाद साहब फर्ज किया मनोरा और जेटी का आपको प्रोजेक्ट मिला है और आप इसका एक मैप बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सर, वो बुटो बुडनाल आइलैंड को भी देख सकते हैं सर। हाँ अब इसमें क्या करेंगे हम, इस मैप को यहाँ से काट लेंगे, जितना आपने फर्ज किया इसकी, इस मैप पे ना आपने गूगल अर्थ से मैप उठाया और उस पर आपने काम करना है स्पेसिफिकली इस एरिया के अंदर, तो आप क्या करेंगे इस मैप को काट लेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नोट कर लें, समझ में आ रही मेरी बात? जी सर। जैसे फर्ज किया यहाँ पे मैंने लिखा स्निपिंग टूल, नजर आ रहा है स्निपिंग टूल आपको? आ रहा है सर। ये स्निपिंग टूल मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ये एरिया काट लिया, लेकिन आपने मनोरा और जो है ना किमाड़ी के बीच में आपने कोई अपने डिजायर्ड मैप बनाना है अपने थीसिस के हवाले से, तो आप क्या करेंगे इस जगह को काट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे अपने पॉइंट्स राइट डाउन कर लेंगे, रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक है, जियो रेफरेंस पॉइंट्स हमने लिखने हैं। फर्ज किया मैं इस जगह पे जहाँ पे किमाड़ी रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है, इस पे लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है कंजा, मुझे ये बताएं क्या नाम है, सॉरी इनका क्या नाम है, अमजद, फहद सलीम, फहद साहब से पूछ लिया, अमजद या वो बता 24 and 66, तो ये आपने नोट डाउन करनी है, यानी कि 24 degree 49 minutes 29.90 north, जी ये पूरा नोट करना है आपने, यानी 24 degrees 49 minutes यहाँ तक नोट कर ले, इसी तरह 66 degrees 58 minutes, ठीक है, सेकंड्स बेशक ना डालें क्योंकि इतना एक्यूरेट हम काम नहीं कर रहे होते, एक पॉइंट आप ये ले लें, एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, ये जो आपको सी व्यू गेस्ट हाउस नजर आ रहा है इसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नोट डाउन कर लें, इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, ये जो बिल्कुल ग्रीन लाइन है यहाँ पे ले लें, इस तरह चार पॉइंट्स आपने लेके इस मैप को काट लिया, फर्ज किया आपने ये मैप काटा, ये मैप अपना काट रहा हूँ यहाँ तक, नजर आ रहा है कटते हुए,
ठीक है, ये मैंने काट लिया और ये मैंने सेव कर लिया। इसको आपने उसी लोकेशन पे सेव करना है जहाँ मैंने पाकिस्तान मैप सेव किया था। तो इस तरह आप जो है यहाँ पे ले जाके इसको जियो रेफ कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में जियो रेफरेंसिंग आपको समझ में आ गई होगी। जी सर। ये 1, 2 मैंने दो पॉइंट मैंने किए हैं, बाकी तीसरा और चौथा जो है आप इसी मैप को उठाइए, किसी और मैप को उठा लीजिए। आपने इसी 4 पॉइंट्स को जियोरेफ यानी हाउ टू जियोरेफ अ मैप, हो सकता है मैं आपसे फाइनल में इसके हवाले से प्रैक्टिकल भी पूछ लूँ या आपसे क्वेश्चन में भी पूछ लूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। सॉफ्टवेयर जो है फहद साहब आप इनको काइंडली शेयर कर देंगे? सब पहले बताते, ध्यान से सुनते। ये फहद साहब से या तो लिंक ले लीजिएगा, फहद साहब आप उस्मान को दे दीजिएगा, बाकी उस्मान की ड्यूटी है। मैं उस्मान को मैं दे देता हूँ सर। ठीक है उस्मान, और आपके पास नेक्स्ट टाइम जो है ना लैपटॉप होने चाहिए और आप लोगों के पास जो है वो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो मैं एक सेशन जो है इंस्टॉलेशन का भी रख लेंगे, वो फहद साहब हमें बता देंगे या मैं बता दूंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है। सर जी, सर वीडियो बनाकर अपलोड कर दें LMS पे, वो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का खाली ताकि अगर हमें कहीं पॉइंट मिस हो जाए तो फिर हम वापस से वीडियो देख लें उसको खुद भी फॉरवर्ड करके। और नहीं पहले इंस्टॉल करके देखते हैं, पहले इंस्टॉल करके देखते हैं सब अपने पास, अगर हो जाता है इजीली जैसे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है फहद जो शेयर करेंगे ना। मैंने मेरे ख्याल में एक 15 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें फहद साहब ने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया था। आप सर करने दे सर, करने दे सर, इंस्टॉल करने दे सर, उसके बाद सर पैसे लेने सर लोगों से। ऐसी असल गेम सर वो ऐसे थोड़ी करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो मैं भूल गया था, ये तो मुझे अच्छी तरह अच्छा याद करा दिया आपने भाई। इस पे भाई 500-500 रुपए कितने 42 स्टूडेंट्स है ना, तो अच्छी खासी अमाउंट बन रही है साहब आपके और मेरे अगर डिवाइड करें हम। हेलो हाँ, दावत अच्छी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सारे खामोश हो गए सर, तो खामोशी हो गई, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। 21000 रुपए बनते हैं सर 42 स्टूडेंट के हिसाब से, तो सही है ना। 500-500 रुपए अगर बिरयानी और उसकी आए क्या नाम है एक लेग पीस के और जो है वो कोल्ड ड्रिंक के, तो मेरे ख्याल में सही है। सर ये सीरियसली है क्या? हाँ हाँ सीरियस कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है सर। फिजिकल पेपर होगा ना सर, उसके बाद लंच कर लेंगे। हाँ उसके बाद बैठ के करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पेपर के बाद तो सारे उड़ जाएंगे बगैर पैसे दिए, अब मेरा तो पेपर भी जल्दी खत्म हो जाता है। ये सब वापस आएंगे। कल की क्लास का टाइम बता दें, प्रेजेंटेशन देनी है। कल की क्लास का इसी वक्त रख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और प्रेजेंटेशन दे दूंगा मैं कल, मेरा ग्रुप देगा सर। अच्छा, मैं चाह रहा था कि कल शेप फाइल भी सिखा दूं, चले वो फिर सॉफ्टवेयर जो है फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ तक तो जियो रेफरेंसिंग थी, अब इसके ऊपर आपने कटाई करनी है इसी मैप के ऊपर अपनी डिजायर्ड, तो शेप फाइल बनती है और वो फिर हम कटाई करते हैं। फर्ज किया मैंने पंजाब का हिस्सा काटना है या अपनी लोकेशंस काटनी है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, आप लोग ये इंस्टॉल करके जियो रेफरेंसिंग सीख लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। हेलो ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर नहीं सर। 5 मिनट दोबारा कॉल करते हैं, 5 मिनट बात करो। 5 मिनट बहुत कॉल कर रहे। अच्छा, जब आखिर में हम बिल्कुल मैप बनाएंगे ना, मेरे पास शायद मैप पड़ा होगा, मैं दिखाता हूँ एक मैप आपको। मैंने मैपिंग की थी, एक EIA की रिपोर्ट बनाई थी मैंने पंजाब में, तो उसमें जो है ये मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। जी सर दिखा दें। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, न्यू शेयर। ये नजर आ रही होगी स्क्रीन, नजर आ रही है? यस सर। तो ये EIA की पेस्टिसाइड की हमने बनाई थी, उसके अंदर मैपिंग थोड़ी सी की थी हमने बेसलाइन के अंदर।
कहाँ चली गई, ये एक तो ये मैप्स बनाए थे जियो रख किया था हमने, ये जैसे ये इस तरह के लेजेंड भी बना के देता है ये, और पता नहीं कहाँ चली गई, ये मैंने मैप बनाया, तो ये बनाया था इसका मैप, ये हमने खुद डिजाइन किया था, ये तो खैर ये रिवर भी हमने बनाया था और जियो रैप था यानी, और लेजेंड्स भी थे इसके कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और ये देखें ये 0 से 8 माइल, ये भी दे देता है आपको कि ये स्केल क्या है, यानी इतना डिस्टेंस कितने माइल को शो कर रहा है, तो ये भी सब खुद बना के देगा ये, ठीक है, तो इसका मैप तो